नमस्कार मित्रों, कारमा भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज के व्लॉग में बहुत ही स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि कार कैंपिंग के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं, न्यूनतम क्या वो चीज़ें चाहिए अगर आप कार में, अपनी कार में कैंपिंग करना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे साथ हैं सुलक्ष भाई, जो बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है ओवरलैंडिंग में। सो सुलक्ष भाई, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू हमारे इस व्लॉग में। और आशा है कि हम दोनों आपस में बातचीत करके आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज के इस व्लॉग में दे पाएंगे। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि कार कैंपिंग एक ऐसा विषय है जो सबके लिए बहुत कॉमन होता है। मतलब हमारे जैसी कैंपर वैन बनाना तो थोड़ा सा कठिन होता है, पर कार में कैंपिंग, क्योंकि कार आजकल लगभग एक ठीक ठाक आर्थिक स्तर के बाद हम सभी खरीद ही लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, सो उसमें हम कैंपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग, एसेंशियल्स ऑफ कार कैंपिंग। मान लीजिए कि आप ट्रैवल करने बाहर निकलते हैं तो किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम एक होटल चेक इन करते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है, हम ढूंढते हैं एक ऐसा रूम जो कंफर्टेबल हो, जहां पर हम आराम से सो सकें। और दूसरा, मुझे लगता है पापी पेट तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। बिल्कुल, यही दो चीज़ें हैं, अन्यत्र तो अपन फिर भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं, बिल्कुल घूमते फिरते हैं। इन्हीं दो चीज़ों के लिए हम होटल चेक इन करते हैं। क्या ये दोनों चीज़ें हम अपनी गाड़ी में मैनेज कर सकते हैं? तो अभी आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है एक रूफटॉप टेंट, जो कि सबसे कॉमन वे है अगर आप कार कैंपिंग करना चाहते हैं। जो बहुत छोटी छोटी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो सुलक्ष भाई से आज रूफटॉप टेंट की समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि रूफटॉप टेंट गाड़ी पर लगाना लीगल है या इलीगल है। तो चलते हैं इस रूफटॉप टेंट के ऊपर, देखते हैं कैसा है, किस प्रकार का है, और कैसे और किस प्रकार की गाड़ी पर ये इंस्टॉल किया जा सकता है। राइट, सो रूफटॉप टेंट एक बार देख लेते हैं विवेक भाई, अंदर से कैसा दिख रहा है, क्या है अंदर अरेंजमेंट हमारा। आप जिस रूफटॉप, मतलब इसके भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन आती है या? अरे नहीं नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के रूफटॉप टेंट्स आते हैं, ये मैं क्लियर करता हूँ आपको। okay. जिस तरीके से गाड़ियों में नहीं होती विवेक भाई की, कुछ सेडान होती हैं, कुछ हैचबैक होती हैं, कुछ एसयूवीज होती हैं, सबके अपने अलग अलग कम्फर्ट्स होते हैं, राइट। उसी तरीके से रूफटॉप टेंट्स भी अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं। सबसे मेजर जो दो बाइफर्केशन है वो तो हो जाएगा आपका सॉफ्ट शेल रूफटॉप टेंट और हार्ड शेल रूफटॉप टेंट। ओके, और जिस टेंट में आप अभी आए हो यहाँ, ये है हमारा हार्ड शेल रूफटॉप टेंट। करेक्ट, इसमें भी ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं डिज़ाइन बेस पे ना बाइफर्केशन होता है, जैसे इसको बोलते हैं डबल फ्लिप ओपन। ओके, कुछ आते हैं वेज शेप टेंट आते हैं, वो एल्यूमिनियम में भी बने होते हैं, वो प्लास्टिक में भी बने होते हैं। और हार्ड शेल जो मेन कैटेगरी है उसका आई थिंक जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है उसका कॉम्पैक्ट साइज़। जब आप उसको टक अवे पैक अवे कर देते हैं तो वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। बंद होने के बाद वो गाड़ी पे लीस्ट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं है कि ड्रैग मतलब प्रोड्यूस ही नहीं होगा, बट हाँ लीस्ट पॉसिबल ड्रैग। जब आप गाड़ी हाईवे पे चलाते हैं तो लीस्ट पॉसिबल विंड रेजिस्टेंस मिलती है आपको उसमें। उसके अलावा स्पेस का बेनिफिट अलग है बेस्ड ऑन द डिज़ाइन ऑफ द टेंट। अभी आप जैसे देख रहे हो हमारे टेंट में एक तरफ, क्योंकि हार्ड शेल है ना, आई कैन टेक बैक सपोर्ट हियर। ओके, ये मैंने पिलोज और अपने ये, क्योंकि दिन में ज़रूरत नहीं है स्लीपिंग बैग की, तो पीछे टक्ड है, यहाँ पिलो लगाए, मैं पीछे बैक सपोर्ट ले सकता हूँ आराम से बैठ के। अगर मुझे लैपटॉप पे काम करना है, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे अंदर खाना खाना है, तो देयर इज लॉट ऑफ स्पेस। ये बैक सपोर्ट ना हार्ड शेल टेंट की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। करेक्ट, सॉफ्ट शेल टेंट में क्या होता है, सब तरफ कपड़ा होता है, तो आप कपड़े पे टेक नहीं ले सकते हैं। सही बात है, क्योंकि उसकी आप, ऐसा नहीं है कि एक बारी में कपड़ा फट जाता है, बट आप उसी की लाइफ को डिटोरिएट कर रहे हैं। हार्ड शेल होने की वजह से यू कैन टेक बैक सपोर्ट, आप थोड़ा ज़्यादा काम अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप लंबी ट्रिप्स पर रहते हैं जहाँ सिर्फ रूफटॉप टेंट का मतलब आपके लिए सोना ही नहीं है, आपको और भी उसमें आपको टाइम स्पेंड करना है, या आपको काम करना है, या यू वांट टू हैव मे बी लॉन्गर ट्रिप्स जिसमें आप तीन तीन चार चार दिन एक लोकेशन पर रहते हैं, सो दिस रियली हेल्प्स आउट। ये जो अभी टेंट हम देख रहे हैं इसके डायमेंशन क्या है? ओके राइट, तो ये सबसे बड़ा वाला रूफटॉप टेंट है हमारा। दिस, इसमें जो बेडिंग है अंदर गद्दा, वो 6x6 है, 6 feet by 6 feet। ओके, बट उसके अलावा भी जहाँ पर मैट्रेस एंड होती है तो लगभग 15 centimeter जगह और है। okay. और दोनों साइड्स में भी लगभग लगभग 5-5 centimeter जगह और होती है। करेक्ट, तो मतलब दिस इज मोर देन 6 feet इन ऑल डायमेंशंस। करेक्ट, और इसके अलावा जब ये क्लोज्ड हो जाता है, कम्प्लीटली पैक्ड अवे टक्ड अवे हो जाता है, तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो 210 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है गाड़ी की रूफ पे 165 है। ये कम्प्लीटली पैक होने के बाद गाड़ी की रूफ पे ही रहता है।
रूफ से कहीं भी बाहर साइड से या पीछे से बाहर नहीं टंगा रहता है। करेक्ट। बट उसके लिए हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि हम स्पेसिफिकली चूज करें कि ये बड़ा वाला टेंट किसी बड़ी एसयूवी पे ही लगे। फॉर एग्जांपल आपकी इनोवा हो गई, आपकी थार हो गई, आपकी एक्सयूवी 500, एक्सयूवी 700, फॉर्च्यूनर्स, एंडेवर्स। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये गाड़ी के रूफ के अंदर अंदर ही रहे। फॉर एग्जाम्पल जो मिड सेगमेंट की कुछ गाड़ियाँ हैं ना, जैसे ग्रैंड विटारा है या सेल्टोस है या क्रेटा है, उसके ऊपर ये साइज़ बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उसके लिए इससे एक छोटा साइज़ आता है, वो कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, एक वो लीगैलिटी से रिलेटेड आप पूछ रहे थे अभी जी। तो अभी क्या है इंडिया में ना, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। सो जो रूफ टॉप टेंट है व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली पैक्ड, वो एक लगेज कैरियर की तरह है। उसके अंदर ये कपड़ा ही तो है, आपका सामान ही तो है ये। सो इट इज़ टक्ड अवे इन लगेज, इट इज़ सॉर्ट ऑफ इट फॉल्स इन द सेम कैटेगरी ऑफ अ लगेज कैरियर। किसी भी मोटर व्हीकल एक्ट या उसकी किसी भी इटरेशन में ना रूफ टॉप टेंट का स्पेसिफिक नाम ही मैंशन नहीं है। सो दिस इज़ अ ग्रे एरिया इसीलिए। बट हम अपनी तरफ से हमें सेफ भी रहना है और लीगल भी रहना है, तो हम क्या कर सकते हैं वो ये है। सेफ रहने के लिए सबसे पहले जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं, हमें सही गाड़ी पे सही रूफटॉप टेंट लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवरसाइज या ओवरवेट टेंट आप गलत या छोटी गाड़ी पे लगा दें। दूसरा, जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं किसी भी गाड़ी के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप गाड़ी का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, आप उसमें किसी भी तरीके का परमानेंट ऑल्टरकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने फिटमेंट के लिए अगर अपनी रूफ में कहीं पे भी ड्रिलिंग कर ली है या वेल्डिंग कर दी है, उससे आप क्या कर रहे हैं, जो आपका जो ओरिजिनल चैसी ऑफ द कार है ना, आप उसके स्ट्रक्चर को, उसकी इंटीग्रिटी को वीक कर रहे हैं इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। अच्छा, गवर्नमेंट भी ना यार हर चीज़ पे चलान नहीं करना चाहती है, या जो हमारा ये RTOs हैं, दे वॉन्ट अस टू बी सेफ, राइट? तो उस केस में क्या है विवेक भाई, वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर सेफ, राइट? अब अगर मैं किसी भी, दे वॉन्ट अस टू बी सेफ, इसलिए वो ये रूल्स बनाते हैं कि आप गाड़ी में मॉडिफाई मत कीजिए, राइट? अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा XUV 500 में ऑलरेडी महिंद्रा नीचे से लग नट्स प्रोवाइड करता है रूफ रेल के नीचे, हम वो रूफ रेल के नीचे के जो नट्स हैं उन्हीं के ऊपर माउंट करते हैं क्लैंप बनाकर, किसी भी तरीके का परमानेंट मॉडिफिकेशन नहीं है। किसी दिन अगर हमें बोला जाए कि सब हटा दीजिए, तो सारे क्लैंप्स और सब हट जाएगा, गाड़ी विल बी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो क्योंकि हम किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे और गाड़ी हमारे लिए सेफ है अभी भी टू बी ऑन द रोड, सो आई थिंक दिस इज़ स्टिल फाइन। यस, क्योंकि रिटन डाउन कुछ नहीं है, तो कुछ जगह स्टेट्स में पुलिस रोकती है, बट दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ लगेज कैरियर ओनली। रूफ टॉप टेंट जब बंद हो जाता है, वो लगेज कैरियर विद लगेज ही माना जाता है उसको, और वो लीगल है। प्राइवेट कार्स पे यू कैन पर्सनली यूज़ इट, यू कैन नॉट यूज़ अ लगेज कैरियर ऑन अ प्राइवेट कार फॉर कमर्शियल गुड्स। आप कमर्शियल सामान नहीं ले जा सकते प्राइवेट गाड़ियों पे रख के, बट अगर आपका पर्सनल प्राइवेट सामान है तो आप लगेज कैरियर यूज करके गाड़ियाँ यूज कर सकते हैं। इट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ लगेज कैरियर। हाँ, पर्सनल कार्स पे आप लगा सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहता है, जैसे कि कैंपर वैन में तो क्योंकि बहुत ही रोबस्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप रहते हैं, एडवर्स क्लाइमेट के समय ये रूफ टॉप टेंट कितने, क्या आपका अनुभव रहा? सर बिल्कुल विवेक भाई, सो एडवर्स क्लाइमेट में ना इसकी अपनी कैपेबिलिटी है, आप उस कैपेबिलिटी से एक्स्ट्रा नहीं डिमांड कर सकते इसका। करेक्ट। क्योंकि ये इन द एंड ये कपड़ा ही है। अगर मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया है कि अप टू 50-60 किलोमीटर्स पर आर की स्पीड विंड्स अगर चलती हैं, तो ये टेंट का कपड़ा झेल लेगा। 100 हो गई तो ये नहीं झेल पाएगा। बट अगेन, मूविंग अप टू अ व्हीकल लाइक योर्स, जब आपका एक कम्प्लीटली रोबस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैंपर वैन बना हुआ है, तो आपकी गाड़ी तो 100-150 की स्पीड की हवाएं भी चलेंगी, तो कुछ नहीं होगा उस गाड़ी को। तो हर इक्विपमेंट का, चाहे वो रूफटॉप टेंट हार्ड शेल हो, सॉफ्ट शेल हो, चाहे वो ग्राउंड टेंट हो, सबकी अपनी हर इक्विपमेंट की एक लिमिटेशन होती है। जब आप ग्राउंड टेंट भी खरीदते हैं, तो वो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको बता देता है कि इसके जो पोल्स हैं वो कितनी विंड स्पीड को रेजिस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हर टेंट का अलग होता है। सो जब तक मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि जिस इक्विपमेंट में मैंने इन्वेस्ट करा है वो इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी ये है और मैं उसे वैसे यूज़ करूँगा, तो आप हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे। करेक्ट। बट अगर आप सोचेंगे कि मैं इस रूफटॉप टेंट को लेकर चेरापूंजी जाऊँगा, जहाँ लगातार एक एक हफ्ते बारिश रुकती नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं होगा। सी, ये जो फैब्रिक है वाटर रेपेलेंट होता है ये, बट इसकी एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल, फॉर दिस पर्टिकुलर फैब्रिक 3000 mm की रेनफॉल, जनरली 15-20 mm की रेनफॉल काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दीजिए तो वो उतने घंटे की हो गई बारिश। लगातार बारिश होती जा रही है और 3000 mm से ज़्यादा एक्सीड हो जाती है, तो कुछ टाइम के बाद ना इस फैब्रिक में भी हल्का हल्का सा वाटर जो है वो स्टोर होने लगेगा, मॉइस्चर की तरह आने लगेगा। देन
अगेन फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो आपको अपने इक्विपमेंट की लिमिटेशन देखनी। अब आपकी गाड़ी को सर मैं 100 दिन भी बारिश में अगर डाल दूँ कुछ नहीं होगा, करेक्ट। तो आपका इक्विपमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो आपको उसकी लिमिटेशन पता होनी चाहिए, फिर आप कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होगे। सो कितना वेट एड ऑन होता है गाड़ी पे इस प्रकार के रूफ टॉप राइट? तो जैसे ये जो हमारा सबसे बड़ा वाला रूफ टॉप टेंट है ये 90 kgs है, 90 किलो, और जो इसके साथ फिटमेंट्स बनती हैं सब होता है, आई एम गेसिंग मिनिमम 10 किलो तो वो है ही है, जो क्लैम्प्स और जो क्रॉस बार्स लगती हैं। तो आप 100 किलो पे आ गए हैं, इसका मतलब हुआ कि आपने लगभग 1.5 आदमी गाड़ी में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, एंड दिस इज़ अ 7 सीटर राइट। अब ये जो बड़ा टेंट है इसको बड़ी गाड़ी पे लगाने का पर्पस भी यही है कि इसका इंजन और इसकी जो GVW आपके उस पर लिखा आता है RC के ऊपर, उस पर एक वेट लिखा रहता है कि कितने 1700 किलो 1600 किलो जो भी है टोटल, उसमें व्हीकल वेट प्लस वेट ऑफ द पैसेंजर्स होता है। तो अब इस गाड़ी में मुझे पता है कि भाई मैं 150 किलो ऑलरेडी यूज़ सॉरी 100 किलो ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, 50 किलो का मेरा सामान होगा पीछे कैंपिंग है जिसमें मेरी चेयर्स होंगी, मेरी टेबल्स होंगी, मेरा कुकिंग का सामान होगा, तो 150 किलो मैं लगभग यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा अब बाकी मैं अपने पैसेंजर्स को बैठा सकता हूँ। सो आपकी जो भी गाड़ी है अगर आप उसके स्पेसिफिक ध्यान रखकर माउंटिंग करते हैं, देर आर नेवर इश्यूज विद द कार, क्योंकि वो गाड़ी उतना वेट हैंडल करने के लिए तो बनी है ना, फिर वो ऑफकोर्स वो वेट इंजन ही पुल कर रहा है, तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम मुझे तो पर्सनली नहीं आती है। आई डोंट नो अगर किसी ने स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम फेस करी हो तो अलग बात है। सो ये थी दोस्तों रूफ टॉप टेंट की बेसिक जो जानकारियां या बेसिक जो प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। आशा है कि उसमें से ज़्यादातर के जवाब आपको शायद मिल गए होंगे, कुछ छूट गए हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके और उत्तर आपको दिए जा सकें। दूसरी मुझे सुलक्ष भाई लगता है ऑनिंग को लेकर बहुत ही डाइसी सा विजन होता है, लगवाएं नहीं लगवाएं, गाड़ी के साइड में है तो कितना मतलब गाड़ी के बाहर निकलेगी राइट, क्या ये इतनी जरूरी है कैंपिंग के लिए कि शेड चाहिए या नहीं चाहिए, इसका क्या स्पेसिफिक जवाब मेरे पास वैसे तो है पर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। कार ओनर्स और हमारे ये ज़्यादा डाउट रहते हैं, तो मैं मेरा पर्सनल ये है विवेक भाई कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक परमानेंट ऑनिंग स्ट्रक्चर गाड़ी के साइड में लगाएं, करेक्ट। बट हाँ, जो हमने बात पहले रूफ टॉप टेंट के लिए भी की थी वो हमारी ऑनिंग पे भी अप्लाई होती है। अगर हमारी ऑनिंग ऐसे है कि वो गाड़ी पे लगने के बाद व्हीकल के डायमेंशन से प्रोट्यूड हो रही है बाहर की तरफ जी, वो गाड़ी के जो डायमेंशन है उससे बाहर लटक रही है, तो इट इज़ कहीं ना कहीं इलीगल और उसमें आपको हो सकता है चलान। बट अगर आपके पास कोई कॉम्पैक्ट ऑनिंग है जो आपके व्हीकल के बॉडी लाइन के साथ ही रहती है और बाहर नहीं निकलती है, तो इट इज़ अ गुड थिंग टू यूज़। बट ज़रूरी नहीं है कि आप एक परमानेंट ऑनिंग रखें, ऑनिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिकैथलॉन पे भी मिलती है, ऑनलाइन अमेजोन पे है, आप टाई डाउन कर लीजिए और आराम से ऑनिंग। देखिए शेड तो नेसेसरी है, शेड ऐसा नहीं कि हर बार धूप से ही शेड चाहिए होती है, कई बार हमें बारिश भी आ जाती है, थोड़ी देर बैठना है बाहर, कुकिंग करनी है, कर रहे हैं टेंट में कितनी देर बैठ लेंगे, तो आपको शेड तो चाहिए होता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप पैक्ड रख लीजिए ना, मत खोलिए ऑनिंग, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। तो चाहे आपके पास टाई करने वाली ऑनिंग हो चाहे परमानेंट हो वो होनी चाहिए, बट हाँ ऑनिंग का होना ज़रूरी है एज लॉन्ग एज परमानेंट स्ट्रक्चर है और वो गाड़ी के डायमेंशंस के अंदर अंदर है तो बहुत अच्छा है। अगर वैसा नहीं हो पा रहा है आपके पास अरेंजमेंट तो कोई बात नहीं, आप वो टाई डाउन वाली ले लीजिए, पर ऑनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, आई थिंक उसके बिना बहुत प्रॉब्लम आती है। करेक्ट। सो मैं भी अपने अनुभव से आपको शेयर करता हूँ। देखिए ऑनिंग क्यों ज़रूरी है, ऑनिंग इसलिए ज़रूरी है जैसा कि सुलक्ष भाई ने अभी आपको बताया, एक शेड हमें गाड़ी के साथ, जैसे कि आप 24 घंटे में से 20 घंटा तो सो नहीं सकते, आपको बैठना ही होगा, तो बैठने के लिए आपको धूप से बचाव चाहिए। पहाड़ों में आप चले जाएंगे बहुत अच्छा बहुत फेवरेबल क्लाइमेट है, पर दिन में अगर आप यहाँ पर आएँ तो समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूप होती है, ख़ास तौर से तब जब आप लद्दाख स्पिति जैसे रीजन्स में जाते हैं जो बहुत हायर ऑल्टीट्यूड है, सो जो यूवी वहाँ पर कट हो जाती है और वो जो आपका जो सनबर्न होता है वो बहुत ही अलग प्रकार का होता है। सो इसलिए ऑनिंग बहुत कंपलसरी है, ये आपको धूप से बारिश से बिल्कुल शेड देती है। कुकिंग के लिए आप यहाँ पर अपनी टेबल लगा के इसके नीचे कुक कर सकते हैं, और अभी जैसा कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ ये एक छोटा सा कैंपिंग सेटअप, गैदरिंग एरिया हो गया, सो इसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको एक शेड तो ऊपर चाहिए ही होता है। और इस ऑनिंग के साथ अगेन मैं इसको एसेंशियल में ही लूंगा कि एक फोल्डेबल टेबल, और एटलीस्ट डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हैं, कपल जा रहे हैं तो एटलीस्ट वन चेयर पर पर्सन, इसके बिना तो ट्रैवल ही नहीं करना चाहिए। और एक आध लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं से इधर उधर से आ ही जाते हैं लोकल्स आपसे मिलते हैं, सो दो से मतलब अपने से अधिक एक दो चेयर जगह है आपके व्हीकल में तो प्लीज हमेशा कैरी करो, स्टूल रखे जा सकते हैं। सो अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑनिंग।
दोस्तों ऑनिंग के बाद जो मुझे दो महत्वपूर्ण चीज़ें लगती हैं, एक है वाटर मैनेजमेंट और एक है इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट। सो वाटर से पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अभी आपको दो गैजेट्स यहाँ पर रखे हुए दिखाई दे रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली कैंपिंग के लिए ही बने हुए गैजेट्स हैं, मतलब ओवरलैंडिंग के लिए ही बने हुए गैजेट्स हैं। मुझे लगता है एक एक करके सुलक्ष भाई अगर दोनों के बारे में बताएंगे और कितना ये उपयोगी है ऐसा भी अगर आप शेयर कर पाएंगे। ठीक है बिल्कुल। सो ऐसा है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स और कंपनीज़ इनको बनाती है और लोग इन्हें यूज़ करते हैं, राइट। बट इंडिया में क्या है, धीरे धीरे आ रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी भी बात करूँ, मैं 5-6 साल से कैंपिंग कर रहा हूँ और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से मुश्किल से 6 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि कैंपिंग के लिए एसेंशियल नहीं है, इनके बिना कैंपिंग नहीं हो सकती ऐसा नहीं है, बट ये आपकी लाइफ ईजी बना देते हैं कैंपिंग के दौरान। तो अगर होता था कि पहले आपको कुछ चीज़ें मिसिंग लगती थी कैंपिंग में, या किसी के लिए ऑब्स्ट्रक्शन था कि यार मैं कैंपिंग कर तो सकता हूँ 1 हफ्ते के लिए, पर मुझे लैपटॉप पावर करना है, कैसे करूँगा 1 हफ्ते, तो ये उन लोगों के लिए सोल्यूशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए सोल्यूशन है, सबके लिए एसेंशियल है एंड दे हैव टू हैव इट टू कैंप, बट फॉर सम पीपल, जिन लोगों को काम पड़ता है या जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए बहुत एसेंशियल है। अभी तक इंटरनेशनल मार्केट्स में ये सब लोग यूज़ कर ही रहे थे प्रोडक्ट्स, अभी इंडिया में भी ये अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग, राइट। सो दिस इज़ अ पोर्टेबल लिथियम बैटरी सिस्टम एंड इसमें आपको ना मल्टीपल आउटपुट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसबी पोर्ट्स मिल रहे हैं आपको मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चार्ज करने के लिए। टाइप सी है, टाइप सी में 60 वॉट तक की पावर देता है, तो अगर आपको अपने आईपैड्स और वो सब चार्ज करने हैं वो भी इससे चार्ज हो जाता है। आपके पास 12 वोल्ट सिगरेट लाइटर पोर्ट आउटपुट है, जैसे आपके पास एक डीसी पंप है ना वो चलाने के लिए भी डीसी आउटपुट है इसमें भाई। साथ ही साथ दो चीज़ें आपको यहाँ एक्स्ट्रा दिख रही हैं, ये है एसी करंट आउटपुट्स, तो इसके अंदर इन्वर्टर इनबिल्ट है, ऑल्टरनेटिंग करंट 500 वॉट का कंटिन्यूस पावर ये आपको दे सकता है। ओके। अगर आपके पास कोई गैजेट है जो 500 वॉट का पावर ड्रॉ करता है और आपको वो चाहिए कैंपिंग में यूज़ करना है, तो दिस विल डू इट फॉर यू। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना यूजेज है ना, आपको ये बैटरी आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ ट्रिप। अगर आपको लगता है आपका बहुत हैवी यूजेज है, आप रोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बैटरी को, तो ये सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं। आउटडोर है, धूप है, सोलर पैनल डाल दीजिए साइड में, सिंपली सोलर पैनल से इनपुट हो जाएगा। अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी है तो आप शाम को रात को इसको चार्जिंग पे डाल दीजिए, किसी भी एसी प्लग में लगा के, कोई घर है, होटल है, ढाबा है, तो वहाँ से आपको इनपुट मिल जाए, चार्ज मिलेगा। या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज जैसे कल हम यहाँ से ट्रैवल करके थोड़ी दूर जाएंगे, 4 घंटे की ड्राइव है, तो अब जो गाड़ी का 12 वोल्ट सिगरेट लाइटर पोर्ट है उससे भी ये चार्ज हो जाता है। तो एक मल्टीपल सोल्यूशन है, साथ ही साथ ना आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, आप पावर बैंक्स बहुत सारे कैरी नहीं करने हैं, एक पोर्टेबल, और ना ये ना बहुत हल्का सा सोल्यूशन है, ये देखिए 6.5 kgs ओनली है, तो आप सिंपल सा ये सोल्यूशन लेके कहीं भी जा सकते हो। आप ऊपर रूफटॉप टेंट में बैठे हो तो वहाँ यूज़ कर लीजिए, आप बाहर टेबल पे बैठे हैं यहाँ यूज़ कर लीजिए, तो दिस इज पोर्टेबल। जनरली जो लोग थोड़ी सी लिथियम पैक, कितने एज की बैटरी है सुलक्ष भाई इसमें? इसके अंदर अबाउट 56 AH की बैटरी है, लिथियम। हाँ, लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। और यूं तो हालांकि डिपेंड करता है कि कितना हम पावर कंजम्पशन, मतलब कितना इस पे लोड डाल रहे हैं, पर तो भी जनरली एक जनरल चीजों से देखें, लैपटॉप को कितनी बार चार्ज। हाँ, रफ आइडिया देता हूँ। एक लैपटॉप देखिए, गेमिंग एडिटिंग लैपटॉप थोड़े से हैवी बैटरीज वाले होते हैं, बट एक नॉर्मल ऑफिस लैपटॉप जो होता है ना वो 8 से 10 बार कर सकते हैं आप इसको चार्ज, 0 to 100। अगर आपके पास एडिटिंग वाला या हैवी ड्यूटी गेमिंग वाला लैपटॉप है जिसकी बैटरीज जनरली बड़ी होती हैं, तो आप उसको कर सकते हैं 5 से 6 बार 7 बार के करीब 0 to 100 चार्ज। एक अगर दूसरा तरीका आपको सोचने का बताऊं तो ये बैटरी बेसिकली 520 वॉट आवर्स की आउटपुट देती है। इसका मतलब ये हुआ कि 500 वॉट का लोड अगर मैं इस पर लगा देता हूँ तो वो लगातार 1 घंटे इसको चला पाएगा। क्या बात है। तो इतना तो होता नहीं है कि हम 1 घंटे के लिए कुछ 500 वॉट का लोड चला दे कैंपिंग में। जनरली अगर आप मिक्सी भी लाते हैं 300-400 वॉट की, तो आप चलाते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड चलाते हैं, इतने में कुछ भी कट जाता है, घिस जाता है बस। तो इसके पीछे एक और यूनिट हमें रखा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो मालूम है कि वो क्या है, पर लोगों के लिए शायद थोड़ा सा नई चीज होगी जो राइट। सो भाई जैसे कि मैंने बोला कि बैटरी नहीं है तो भी कैंपिंग हो सकती है, उसी तरीके से दिस इज़ अ गैजेट विच इज़ मे बी वेरी स्पेसिफिक यूज़ के लिए है, और जिसको ज़रूरत है भाई उसको ज़रूरत है। दिस इज़ अ पोर्टेबल एयर कंडीशनर। तो इस पोर्टेबल एयर कंडीशनर में
एक तो फॉर्म फैक्टर इतना छोटा है, आप इजीली एक हाथ से उठा सकते हो, बहुत लाइट वेट है. दिस इज़ अ कंप्रेसर बेस्ड यूनिट, तो इसके अंदर भी वो जैसे एसी गैस होती है ना हमारी गाड़ियों के अंदर, उसी तरीके से कंप्रेसर गैस सब कुछ है. ओके. तो इसका पर्पस है कम पावर में आपके एक छोटे स्पेस को, लिमिटेड स्पेस को ठंडा कर देना. क्या बात. तो कम पावर का मतलब हुआ ये ओनली 250 वॉट्स ऑफ पावर लेता है. तो 250 वॉट पावर अल्टरनेटिंग करंट अगर आपके पास अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बैटरी हमने डिस्कस करी थी ये 500 वॉट तक सस्टेन करता है, तो ये 250 वॉट ही आराम से, मतलब ऐसे दो एसी लगातार चला सकते हैं ये. तो ये 250 वॉट की पावर लेता है. अगर आपके पास अच्छा सोलर अरेंजमेंट है तो ये 24 वोल्ट 10 एम्पीयर का करंट ड्रॉ करेगा, 24 वोल्ट सोलर पे भी चल सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन किसी का यूज़ केस सिनेरियो क्या है, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच कैन बी यूजफुल. आई वुड नॉट से दिस इज़ एसेंशियल टू एवरीवन, बट हाँ जिन लोगों के लिए पहाड़ों पे आना इतना आसान नहीं है, थोड़ा पहाड़ों से दूर रहते हैं और वो साल में काफ़ी टाइम अपना ओवरलैंडिंग फेज में बिताना चाहते हैं एक छोटे व्हीकल के अंदर, सो दिस इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर दोज पीपल. सो यू कैन सिंपली कैरी अ सोलर पोर्टेबल सोलर पैनल जिससे आपको पावर आउटपुट मिल जाए, या आपके पास पोर्टेबल बैटरी सोल्यूशन अगर है, सो ये एसी विल वर्क वेरी वेल फॉर यू. इस एसी में जैसे एक विंडो एसी होता है, एक फ्रंट यूनिट है, एक रियर है, तो रियर से हीट और हीट एक्सचेंजर जो है हॉट एयर बाहर छोड़ देता है, और आप फ्रंट में जो एरिया आप कूल करना चाहते हैं वो फ्रंट एरिया में आप यहाँ से एयर ले सकते हैं. इसके साथ ना इस तरीके के कुछ एक्सटेंडेबल पाइप्स आते हैं जो आप लगाकर, अगर आप चाहते हैं यूनिट कहीं थोड़ा दूर रहे और आप यूज़ करना चाहें तो इनको एक्सटेंड करके एयर फ्लो अपने पास कर सकते हैं. सो फाइनली हम आ चुके हैं इस एक्सयूवी के रियर बूट सेगमेंट में, और बूट सेगमेंट में अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको दिख रहा है ये ऑलमोस्ट खाली है, पर यहाँ पर सारा मैनेजमेंट होता है किचन, लगेज और वाटर स्टोरेज का. वाटर स्टोरेज का बहुत भिन्न भिन्न प्रकार है, मतलब आप ऊपर पाइप में भी जैसे कई सारी गाड़ियों में मैंने दिखाया, वैसे से भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं. जैसा कि अनिल जी की गाड़ी का मैंने रिव्यू बनाया था, केन्स में वो पानी कैरी करते हैं, वो भी कर सकते हैं. पीने के लिए अब ऐसे इलाकों में जहाँ बिल्कुल ही पानी उपलब्ध नहीं है, सो आप मिनरल जो ये वाटर आता है, बिल्कुल है ना, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सारे प्रकार, हर गाड़ी का जितनी स्पेस आपके पास है आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. मेरा तो सिंपल है, जैसे ये बहुत शॉर्ट ट्रिप था मेरे विवेक जी, तो छोटी छोटी बॉटल से मेरा काम चल जाएगा, 10-12 लीटर पानी इनफ है. लेकिन अगर मुझे लंबे ट्रिप पे जाना है तो मैं 20-20 लीटर की जो कैंस आती हैं वो कैरी कर लेता हूँ, वो आगे रख लेता हूँ मैं. हाँ. जो पैरों में बैठने की जगह होती है, स्रोत का पानी मिलता है, अच्छा वहाँ रिफिल कर सकते हैं. दो बना लेते हैं, एक ड्रिंकिंग वाटर और एक रेगुलर यूज वाटर बर्तन धोने के लिए. वो तो इस तरीके से वो मैनेजमेंट बहुत ईजी है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितनी स्पेस है और कितने लंबे ट्रिप के लिए आप जा रहे हैं, आप अपने वाटर मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं. करेक्ट. और कुकिंग के लिए जो गैस स्टोव है वो आप छोटा वाला जो रेड वाला जो गैस स्टोव आता है वो भी यूज कर सकते हैं. ब्यूटेन बेस्ड आते हैं, ऐसे पोर्टेबल सिंगल बर्नर्स आते हैं, आप ऐसे ब्यूटेन कैंस यूज कर सकते हैं. इनका ना फायदा, बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इनको जब आप हाई एल्टीट्यूड पर लेके जाते हैं ये बहुत सेफ है. डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ले लीजिए आप, जिनका आपको रेफरेंस मिल रहा है मार्केट में, आप अच्छे ब्रांड्स का ले लीजिए और ये बहुत सेफ़ है. मैं तो ऐसे 20 कैन भर के दिल्ली से अपनी गाड़ी में ले लद्दाख के सारे अल्टीट्यूड हाई पासेस किए हैं मैंने, तो कभी भी लीकेज का इशू कुछ नहीं आता. करेक्ट. बस एक अच्छे ब्रांड का लेना चाहिए. बिल्कुल. और ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए, कई बार क्या होता है ना लोग सोचते हैं कि इसको रिफिल कर लेते हैं, तो रिफिल करने में जो इसकी इंटरनल सील्स होती है ना वो डैमेज हो जाती हैं. ओके. तो फिर वो लीकेज का चांस है वो सब बढ़ जाता है. तो अगर आपको सेफ रहना है और आप हाई अल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं तो आप एक अच्छे ब्रांड का और नया लेके नया कैन लेके इस्तेमाल करें. और कुछ एक चीज़ें मुझे लगता है जो आपको बहुत विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि धीरे 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 सब चीज़ें लगाते लगाते कितना वेट हम अपनी गाड़ी पे पुट ऑन कर देते हैं. एट द एंड ऑफ द गेम आपकी गाड़ी जो है वो भले ही कोलैप्स ना हो पर धीरे 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 उसकी ओवरलोडेड हो जाती है, ओवरलोडेड हो जाती है और क्षीण होने लगती हैं. सो ऐसा नहीं करें, आप देखें पहले आपकी गाड़ी का ग्रॉस वेट कैपेसिटी क्या है और उसके हिसाब से ही जो भी इंस्टॉलेशंस अभी हमने डिस्कस किए उन इंस्टॉलेशन को अपनी गाड़ी पे सुनियोजित ढंग से करने का प्रयास करें. अंत में जो एक महत्वपूर्ण चीज बचती है वो ये है कि भाई ये जो छोटी छोटी चीज अपन देख रहे हैं, रूफ टॉप टेंट अगर माने तो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाके एंड होता है? सो जैसे गाड़ियों में भी है विवेक भाई कि मतलब यू कैन स्टार्ट फ्रॉम गाड़ियों का,
हैचबैक से शुरू होती है, फिर सेडान्स आई थिंक थोड़ी और महंगी, फिर एसयूवीज होती हैं, फिर और मतलब कोई अंत नहीं है. Correct. उसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना यूजेज है और आप कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी प्रोडक्ट से. तो मार्केट में आई थिंक 50,000 rupees से लेकर रूफ टॉप टेंट्स यू कैन कम अप टू अस, जैसे हमारी प्रोडक्ट रेंज में 135 से 180 तक का है. देन यू कैन गो इवन हायर आई कैंपर पे अगर आप जाते हैं, या फिर आप सीवीटी पे जाते हैं तो वो आई थिंक 5.5 lakh, 6 lakh, 7 lakh. अब एक इलेक्ट्रिक भी आ गया मॉडल जो 15 lakh का है. सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना, आपको कितनी वैल्यू फॉर मनी चाहिए या क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो जितना आप यूज कर पाएंगे. और कई बार क्या होता है ना, लोग ट्रेडमिल खरीद लेते हैं घर पे की एक्सरसाइज करेंगे, फिर उस पर तौलिया ही सूखता है. और ट्रेडमिल नहीं चाहिए आपको, आप वो खरीदिए जो आप यूज करेंगे. करेक्ट. तो चाहे वो आप 50,000 का लें, चाहे आप 1.5 lakh का लें, चाहे आप 5 lakh का लें, अगर आप यूज कर रहे हैं तो इट इज द बेस्ट टेंट इन द वर्ल्ड. ऑनिंग मुझे लगता है मिनिमम से मिनिमम डीकैट की जो आती है वो 2000 की है, जो टाई डाउन वाली है. देन उसके बाद अमेज़न पे आती है 4,000-5,000 वाली, वो थोड़ा सा फैब्रिक थोड़ा और बेटर है, बड़ा है. देन फिर एक जो साइड में अटैच होने वाली है वो रेंज शुरू हो जाती है 15,000, आई थिंक 25 की भी आती है, हमारी वाली है 40 है. देन 360, इसमें भी ऑनिंग्स भी ऑनिंग नहीं है. मतलब जिस तरीके से हम एक रूफटॉप टेंट को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भाई रूफटॉप टेंट तो रूफटॉप टेंट आता है, नहीं ऐसा नहीं है. उसी तरीके से ऑनिंग भी, ऑनिंग में भी कैटेगरी 360, 270, 180. तो उस तरीके से ऑनिंग्स भी डिफरेंट डिफरेंट है. करेक्ट. आपको जो चीज़ आपके लिए वैल्यू फॉर मनी लगती है आप वो उसमें इन्वेस्ट कीजिए, वो लीजिए, बेस्ट है. पावर बैंक जो आपने 50 AH का बताया वो लगभग ये हम सेल करते हैं 50,000 rupees का. 50,000. और वो जो AC आपने उसके साथ, AC इज 80,000 बट उसका स्पेसिफिक यूज ही बहुत केस, यूज केस ही अलग है. इट इज फॉर बिगर व्हीकल्स क्योंकि भारत में उसका प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है. नहीं नहीं. और इंडिया में आई थिंक बहुत नीश लोग होंगे जिनको इसकी रिक्वायरमेंट होगी. करेक्ट. सो आई डोंट थिंक इट इज एन एसेंशियल, बट फॉर सम पीपल, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हो सकता है बहुत जरूरी चीज़. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सुरक्ष भाई, आपने इतनी अच्छी, और मुझे लगता है उन लोगों के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी कार में, घर में अभी जो साधन उपलब्ध है उसमें कैंपिंग या ओवरलैंडिंग स्टार्ट करना. बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा से ही बोलता हूँ कि जो सोल्यूशन आपने अपनी गाड़ी के लिए सोचा हुआ है, करा हुआ है ना, वो बेस्ट है. कोई सोल्यूशन जो कोई बता रहा है वो सोल्यूशन बेस्ट नहीं, आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो बेस्ट है. एकदम. आप अपने पसंद का चूज कीजिए, जो करना है कीजिए. एकदम करेक्ट. सो मित्रों, मुझे भी मतलब मैं भी हर बार आपको यही इनपुट देता हूँ जब आप पूछते हैं कि कौन सी कैंपर वैन बनवाई जाए, कैंपर वैन के लिए गाड़ी का सिलेक्शन कौन सा किया जाए. सबसे पहले मैं आपको ये इनपुट दूंगा कि आपके पास जो गाड़ी है उस गाड़ी में एटलीस्ट आप 1-2-3 नाइट आउट लेके देखिए. कैंपर वैन हायर करिए, हायर करके कैंपर वैन में कैसा लगता है ये महसूस कीजिए. और अगर आपको लगता है कि जीवन में आपके पास पर्याप्त समय है, आप अपनी कैंपर वैन को यूज कर सकते हैं, तो ही हमारे जैसे सेगमेंट पे जाइए, इन्वेस्ट कीजिए. अन्यथा ये जो है मतलब इस प्रकार की जो छोटी SUVs होती है उस पे एक अच्छी कंफर्टेबल ओवरलैंडिंग व्हीकल बनाई जा सकती है जिसपे आप 2, 5, 7, 8, 10 दिन तक बिता सकते हैं इजिली. सो आई होप कि सुलक्ष भाई के साथ जो भी बातचीत हुई उससे आप लाभान्वित हुए होंगे, आपको शायद कुछ हद तक वो सब क्राइटेरिया क्लियर हुए होंगे जो एक कार में कैंपिंग करने के लिए इसेंशियल है. इसी प्रकार की और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके समक्ष लेकर हम प्रस्तुत होते रहेंगे. आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा. शीघ्र अगले व्लॉग में मुलाकात होगी. नमस्कार.